हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञान असली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये डिस्कशन क्लास होने वाला है हमारा, और शिफ्ट टू एजुकेशन वाला जो था उसका पेपर वन डिस्कस करने वाले हैं आज हम। और जो भी पेपर वन आपको डिस्कस करना होगा या फिर कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा, आप मुझे सेंड करिएगा और उसको जो है मैं आपको बताऊँगा, जो भी उसका सोल्यूशन होगा वो बताऊँगा। मेरे बहुत सारे लर्नर्स ने पेपर दिया, बहुत लोगों का पेपर अच्छा हुआ और बहुत लोगों का पेपर अच्छा नहीं भी हुआ। इस बार का पेपर मैं मानता हूँ कि ये मॉडरेट टू टफ वाले जो सेक्शन है उसमें है, और बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर था। तो एक चीज़ हमने देखा कि पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी था, इसलिए मैंने कल डिस्कस नहीं किया। मैंने सोचा इसको अच्छे से एनालाइज करके और फिर आपके साथ डिस्कस किया जाए। दूसरी चीज़ देखने को मिला कि सीक्वेंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए थे, है ना। तो वो ऑर्डर में जो लगाने वाला है, मैंने आपको क्लास में भी बोला था कि वो जो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना और इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना, वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, वो पूछेगा। और उसने पूछा, है ना, सीक्वेंस रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा। पेपर वन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए जो कि उनको जो है सिलेबस से अलग ही और किसी एक ही यूनिट पे पूरा फोकस कर दिया। जैसे ICT से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हमें, और कई यूनिट्स से जो है एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, ऐसा भी हुआ, है ना। और पेपर टू अगर आपका एजुकेशन है तो उसमें भी हमने देखा, जो मैंने आपको लास्ट मोमेंट पे शेयर किया था आपके डिस्कशन ग्रुप में, सेम टू सेम क्वेश्चन, वो क्वाड्रेंट वाला जो स्वयं का क्वाड्रेंट्स था उसका, और इसके अलावा एक जो स्वयं के कोऑर्डिनेटर्स जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स थे उनका, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली वहाँ से उठ के आ गई, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमने, जो कि वो डायरेक्टली एज इट इज़ आ गया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसा आया जो नया है, और इसीलिए लर्नर्स जो है वो काफ़ी कन्फ्यूज हो गए। पेपर वन का जो पैसेज रहा वो काफ़ी ईजी, हम कहेंगे ईजी टू एवरेज पैसेज था, लेकिन पेपर टू का एजुकेशन वाला जो पैसेज था वो काफ़ी अच्छे लेवल का था, और बहुत लोगों का उसमें क्वेश्चन जो है वो गलत हुआ है। तो पेपर लेंदी होना, और उसके बाद OMR फिलिंग था, है ना। और OMR की वजह से क्या था कि आपका हाफ एन आवर 40 मिनट्स तो OMR फिलअप करने में चला जाता है। तो इस वजह से ये पेपर जो है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि पिछले बार से इसका कट ऑफ कम जाने वाला है, और बहुत सारे लर्नर्स जो हैं वो बहुत दुखी हैं। तो देखिए, मेरे दिल के करीब कुछ पंक्तियां हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। और वो है कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता ना अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो, कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो आपको अपने कर्तव्य पथ से भागने की जरूरत नहीं है, आप लगे रहिए, अभी रिजल्ट का वेट करिए, बिल्कुल अपना दिमाग शांत करके रखिए। जितने भी इधर आपके पास जितना भी समय है, इस समय में अपने आप को रिप्लेनिश करिए, फिर से वापस जोड़िए, खुद को तैयार करिए और एक नए जोश से लग जाइए। हो सकता है रिजल्ट आपके फेवर में आ जाए, और अगर नहीं भी आता है फिर भी, बहुत लर्नर्स ऐसे दुखी हो गए थे, बिल्कुल आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आगे बढ़ते हैं और आज के इस पेपर को डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या रहा। सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन का जो लेवल था वो काफ़ी अच्छे लेवल का डेटा इंटरप्रिटेशन आया हुआ था, है ना। और ऐसे क्वेश्चंस थे कि इसके लिए मैं अलग से आपके लिए क्लास लेके आऊँगा, जिसमें DI पूरा मैं सॉल्व करके और डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, अगर मैं यहाँ DI सॉल्व करने लगा तो काफ़ी टाइम चला जाएगा, है ना। तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको डेटा इंटरप्रिटेशन मैं बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे जो अटेम्प्ट जिन्होंने किया होगा, जो एजुकेशन सब्जेक्ट जिनका होगा और पेपर वन उनका, तो ये क्वेश्चन जो है ना उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिया ही होगा। तो आप उसकी टेंशन मत लो, कट ऑफ वैसे भी वो नीचे आनी ही है, क्योंकि जिन्होंने सही किया होगा उसका बहुत समय चला गया होगा, फिर उनके कुछ और क्वेश्चन छूटे होंगे, जिन्होंने सही नहीं किया तो फिर उनका उधर मैनेज हुआ क्योंकि वो दूसरे क्वेश्चन सही कर पाए होंगे। तो वो मैनेज इसीलिए ऐसे क्वेश्चन NTA देता है, ताकि वो जो स्कोर है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल स्कोर अप जा रहा है जो ये कट ऑफ का स्कोर्स। तो देखते हैं, ये एक यहाँ पर टेबल दिया हुआ था, और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया हुआ था अलग अलग डिजीजेज़ का, अलग अलग रोगों का। तो बताया इसने कि भाई देखिए, 2023 क्या बता रहा है, 2023 में 800 करोड़ जनसंख्या पूरे वर्ल्ड में है, और वर्ल्ड में थी, और इसका 10% यानी 80 करोड़ जनसंख्या जो है वो पेशेंट्स की है, मतलब बीमार हैं ये 80 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में। अब
इन बीमारों में यानी 80 करोड़ में से 22% को दिल की बीमारी है, 10% को एड्स है, 8% को टीबी ट्यूबरक्लोसिस है, 6% को लिवर की बीमारी हेपेटाइटिस है, 30% को किडनी की बीमारी है और 24% जो है वो दूसरी बीमारियों से ग्रसित है, है ना। तो ये जो है 80 करोड़ का ये पूरा का पूरा यहाँ पर डिवीज़न है। अब इनमें अगर हम ये यहाँ पर महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट वाइज देखें, यानी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और एशिया का दिया हुआ है, तो इनमें अगर हम देखें तो ये 100% में से यानी इन 80 करोड़ में से 10% यानी 8 करोड़ जो रोगी हैं, 8 करोड़ रोगी वो यूरोप में हैं, 6% मतलब 4.8 करोड़ हो गया ये जो है ऑस्ट्रेलिया में है, 15% मतलब 12 करोड़ जो है वो साउथ अमेरिका में है, फिर यहाँ पर 25% मतलब कितना हो गया 20 करोड़, तो 20 करोड़ जो है अफ्रीका में है, फिर यहाँ पर 12% हो गया, 12% कितना हो जाएगा तो अगेन 9.6 करोड़ जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है, और एशिया आपके पास 32% के साथ है, तो आपको जो है एक बार 80 का 32% यहाँ पर निकालना होगा कितना होता है, और एक सेकंड अभी मैं निकाल के आपको बताता हूँ। तो 80 का 32% हो गया आपका 25.6 करोड़, तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपके पास, है ना। अब इनमें से इन 8 करोड़ में से 10% किडनी के पेशेंट्स हैं, मतलब यहाँ पर 80 लाख हो गया, है ना, 80 लाख जो है ये किडनी के पेशेंट्स हो गया। फिर यहाँ पर 5% जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो क्या है, इन 4.8 करोड़ में से 5% जो है वो आपके किडनी के पेशेंट हैं, और रिस्पेक्टिवली ये सारे नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपने देखा कितना ये लेंदी यहीं से होता जा रहा है। अब इसके बाद ये पूछ रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीजेज बाई 10% एवरी ईयर, मतलब अगर हर साल 10% नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब यहाँ पर 8 करोड़ हैं तो इसके अगले साल 80 लाख और जोड़ दो तो 8.8 हो जाएगा, और फिर इसके अगले साल और 80 लाख जोड़ दो तो इसके बाद वो कितना हो जाएगा 8.8 और प्लस यहाँ पर 0.8 करोगे आप तो आ जाएगा 9.6 आ जाएगा ये। तो यानी कि जो यूरोप वाला जो 8 करोड़ है वो 9.6 करोड़ हो जाएगा दो साल बाद, है ना, नहीं सॉरी 8.8 का आपको जोड़ना पड़ेगा, हाँ तो 8.8 का आपको यहाँ पर 10% जोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो कंपाउंडिंग में ही जुड़ेगा ना। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना 8.8 का अगर आप 10% निकालते हो तो ये आता है 0.88 और 8.8 प्लस 0.88 करोगे तो 9.68 आ जाएगा। देखिए ये छोटे छोटे मिस्टेक से ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये कह रहा है कि देखिए पेशेंट जो है वो 10% हर साल यूरोप में बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगले साल 8 करोड़ का 10% 80 लाख जुड़ जाएगा तो 8.8 हो जाएगा, और फिर इसका 10% और जुड़ जाएगा तो 0.88 जोड़ेंगे तो 9.68 आ जाएगा, ये 9.68 दो साल बाद हो जाएगा। अब पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन यूरोप आफ्टर टू ईयर्स एंड नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन साउथ अमेरिका इन 2023। अब यहाँ पे साउथ अमेरिका में जो है वो किडनी पेशेंट्स यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो इनमें से आपको निकालना पड़ेगा ये, और ये नंबर को इससे माइनस करोगे आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा 8 लाख, 8 लाख जो है इसका सही आ जाएगा, है ना। तो ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस, फिर यहाँ पे अब बाकी हम जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको जब डिटेल में ये पूरा का पूरा DI कराऊंगा मैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर देखिए नंबर ऑफ किडनी पेशेंट ऑस्ट्रेलिया, एक बार आप ऑप्शन अपने मिला लो, ये सेकंड सही होगा इसका, फिर ये तीसरे का जो है वो ये सही होगा 50:21, ये रेशियो पूछा है कि अफ्रीका में जितने पेशेंट्स हैं उनका किडनी पेशेंट्स एशिया और नॉर्थ अमेरिका के मिल के जितने होते हैं उनका क्या रेशियो बनेगा, तो ये जो है सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। फिर ये नंबर ऑफ हेपेटाइटिस पेशेंट जो है पूरे दुनिया में वो 6% से बढ़ रहे हैं, और हार्ट डिजीज़ वाले 22% से, तो कह रहा है कि नया रेशियो क्या बनेगा हेपेटाइटिस पेशेंट का हार्ट डिजीज वाले पेशेंट के साथ, तो ये पूछ रहा है ना। तो ये जो है आपके पास हो जाएगा क्या 14:61, ये अप्रॉक्सीमेटली इतना आंसर आएगा, ये जो है ये हो जाएगा। और फिर इसका जो है आप लगा लेना फिफ्थ का, इफ़ द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन साउथ अमेरिका ये घट गया 25% से, तो क्या परसेंट घटेगा नंबर ऑफ किडनी पेशेंट पूरे दुनिया में, अगर साउथ अमेरिका में 25% घटा तो पूरे दुनिया में किडनी पेशेंट कितने घट जाएंगे, तो पूरे दुनिया का ये 10% जो है वो होगा। तो ये आप जो है
पहले अभी आंसर मार्क कर लीजिए, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक पूरा का पूरा इसके लिए अलग से क्लास देंगे। इसके बाद बाकी क्वेश्चंस देखते हैं। अगला हमारे पास मैच द फॉलोइंग है, तो इसमें देखिए लिस्ट वन लिस्ट टू, दो ही चीज़ें हमें देखने को ही मिली हैं इस पूरे इस साल वाले जो पेपर में। मैंने ये नोटिस किया है कि सबसे पहला कि मैचिंग वाले क्वेश्चंस और दूसरे सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस, मैचिंग सीक्वेंस, एक भी यहाँ पर असोसिएशन रीजन हमें देखने को नहीं मिला, एक भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, ये चीज़ें मैंने गौर किया है ना। और दूसरा, अगर पेपर आपके पास पेपर वन हो जिसमें असोसिएशन रीजन हो या फिर स्टेटमेंट हो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर दो कम्युनिकेशन का फॉर्म दिया हुआ है और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले कह रहा है पर्सनल एड्रेस, दूसरा है सोशल ड्रामा, तीसरा है नरेटिव और चौथा है साइलेंस। तो देखिए पर्सनल एड्रेस, तो यहाँ पर जब भी आप पर्सनल एड्रेस के बारे में बात करोगे, खुद को संबोधन करोगे, तो ये क्या होगा, पॉइंट्स टू सेल्फ एंड अदर्स इन इंटरेक्शन, है ना। यानी कि यहाँ पर सेल्फ के बारे में आप बात करोगे, तो ए का तो थ्री हो गया, और ए का थ्री देखा आपने तो पहले ही इसको मार्क कर दो। देखिए और किसी में ए का थ्री नहीं है, वैसे ही हो गया, लेकिन एक और मैच करके देख लेते हैं। तो देखिए सोशल ड्रामा मतलब ये क्या करता है, ये व्यवहार हेतु सामाजिक सांस्कृतिक नियमों का आह्वान करता है, सामाजिक नाटक क्या करता है, इन्वोक्स लोकल सोशियो कल्चरल रूल्स फॉर बिहेवियर। तो ये बी का भी हो गया फोर, यहाँ पर बी का फोर भी मैच हुआ है। नरेटिव, तो नरेटिव कैसे सेट होता है, जो भी आख्यान ये कैसे होता है, तो देखिए जब नरेटिव की बात आ जाए तो यहाँ पर देखिए सीक्वेंशियल अकाउंट्स टोल्ड एंड रीटोल्ड फ्रॉम ए पर्टिकुलर व्यू पॉइंट। नरेटिव का मतलब क्या होता है कि आप अपना दृष्टिकोण रखते हो, है ना, तो आप अपने हिसाब से किसी चीज़ को बता रहे हो, किसी घटना को का नरेशन कर रहे हो अपने लैंग्वेज में, है ना, तो खुद के लैंग्वेज में, इसी को हम कहते हैं नरेटिव। तो ये हो गया नरेटिव का मतलब हो गया ये। और साइलेंस, सब्जेक्ट टू कम्युनिटीज रूल्स फॉर अप्रोप्रिएट कंडक्ट, मतलब समुचित आचरण हेतु सामुदायिक नियमों का अध्ययन, तो ये साइलेंस होता है। ये हो गया आपके पास थर्ड वाला जो है करेक्ट आंसर हो गया। अब आ जाते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पे। तो अच्छा ये कोड बता दूं, ये डब्ल्यू कोड था एजुकेशन का, ये जो डब्ल्यू कोड है उसका पेपर है ये। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर डिवाइसेज आर आउटपुट डिवाइसेज ओनली, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए एक तो ट्रैक बॉल है और एक नंबर पैड है, ये इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या माउस जैसा होता था, तो ये तो इनपुट डिवाइस है। नंबर पैड ये क्या है, नंबर पैड से आप इनपुट करते हो ना, ये सिर्फ आउटपुट पूछ रहा है। तो देखिए सीआरटी मॉनिटर क्या होता है, सीआरटी मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है, आप सर्च करना प्लॉटर आपको पता चल जाएगा। तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बी एंड डी ओनली हो जाएगा इसका। आठवां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंप्यूटर मेमोरीज इज करेक्ट। तो देखिए अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि हार्ड डिस्क ड्राइव में एक्सपीरियंस अ हेड क्रैश, तो हेड क्रैश का मतलब क्या होता है, आपको ये नहीं समझ में आया, तो फिर आप जो है नेक्स्ट ऑप्शंस देख लेते तो आपको ये क्लियर हो जाता है ना। तो ये कह रहा है एसएसडी को हम वोलेटाइल मेमोरी के तौर पे जानते हैं। अच्छा वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है, ऐसी मेमोरी जो कि टेम्पररी मेमोरी होता है ना, सॉरी ये टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है। अब वोलेटाइल मेमोरी तो क्या, सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होता है, इसमें आप अपने स्टोर कर सकते हो फोटोज़ वीडियोज़ कुछ भी, और बहुत फास्ट स्पीड होता है इसका, तो ये तो वोलेटाइल मेमोरी नहीं होता है, क्योंकि इसका तो इसमें तो आप स्टोर करते हो, तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंप्यूटर मेमोरीज इज करेक्ट, तो ये वोलेटाइल मेमोरी नहीं होता है, तो ये इनकरेक्ट है। फिर एच डी डी डू नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट्स, अरे हार्ड डिस्क ड्राइव में मूविंग पार्ट नहीं होता। अगर किसी के पास हार्ड डिस्क होगा या फिर आपने देखा होगा, तो आपने देखा कि उसमें कुछ घूमता रहता है, एक डिस्क होता है वही तो मूव करता है, तो ऑफकोर्स इसमें मूविंग पार्ट होता है, तो ये भी गलत हो गया। और कंप्यूटर्स यूजुअली हैव मोर प्राइमरी मेमोरी देन सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हम कहते हैं रैम को, और सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं हम रोम को। तो जो आपका स्टोरेज वाला मेमोरी होता है वो ROM रोम होता है, और ये ज़्यादा होता है। प्राइमरी मेमोरी रैम जो है वो कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 16 GB, 32 GB, 64 GB तक जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 32 GB, 16 GB रहता है ना कंप्यूटर में। तो ये रैम जो है वो क्या ज़्यादा होता है क्या सेकेंडरी मेमोरी से, नहीं ऐसा नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि जो करेक्ट है वो यही है, कि ऐसे भी आप इसको एलिमिनेट करके कर सकते थे। अभी हेड क्रैश होता क्या है, तो देखिए एक मैल फंक्शन होता है, कोई एक प्रॉब्लम आ जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव में, जहाँ पर जो रीड और राइट का हेड होता है ना ड्राइव का, वो एक दूसरे को फिजिकली टच करने लगता है, और इस ये एक जो डिस्क होता है, ये डिस्क अंदर में
इसके प्लेटर को ये स्क्रैच करने लगता है और इसी को हम कहते हैं हेड क्रैश, है ना। तो ये होता है, ये मैलफंक्शन होता है, एक प्रॉब्लम होता है, ये फिजिकल इम्पैक्ट से ये होता है, वेयर एंड टीयर से होता है। अगर डस्ट चला जाता है उससे हो जाता है, या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो या पावर फेलियर है उससे हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ये। नाइन्थ पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग मकौले। तो देखिए मकौले मिनट्स का ये क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो सही है। तो देखिए ये पहला है कि ही सक्सीडेड इन रिप्लेसिंग पर्शियन विद इंग्लिश एज एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। दूसरा है ही प्रमोटेड ट्रेनिंग एज इंग्लिश स्पीकिंग इंडियन टीचर्स, ये भी सही है। तीसरा है ही वॉज इंस्पायर्ड बाई यूटिलिटेरियन आइडियाज, देखिए उसने शिक्षकों के रूप में अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया, बिल्कुल सही। वह उपयोगितावादी विचारों से प्रभावित था, यूटिलिटेरियन, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी लेना चाहता था, है ना, बिल्कुल ये भी सही है। तो ए बी सी जहाँ भी आपको दिखा तो आप देखिए सारे ऑप्शन हट गए, है ना, एक ही में ए बी सी दिख रहा है, ये होगा, ये सही हो गया। और ये ही प्रमोटेड यूजफुल लर्निंग, उपयोगी अधिगम को प्रोत्साहित किया, तो देखा इसने कि क्या ज़रूरत है उस समय पे और उस समय की ज़रूरत के हिसाब से जो है इसने उसी चीज़ को प्रमोट किया। तो ये फोर्थ जो है ए बी सी डी मेरे हिसाब से ये सही होगा। अगर आपको लगता है कोई और आंसर है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मेरे हिसाब से तो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो देखिए यहाँ पर मास कम्युनिकेशन के बारे में जो है आपसे पूछ रहा है। मास कम्युनिकेशन आपको मैंने बताया था कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है, एक साथ अगर बहुत बड़े ऑडियंस को आप डील कर रहे हो, बहुत बड़े ऑडियंस तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हो, उसी को हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। तो ये कह रहा है कि बताइए कि मास कम्युनिकेशन के का की विशेषता क्या क्या है इनमें से। तो क्या मास कम्युनिकेशन में होमोजीनियस ऑडियंस होता है, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सजातीय, यानी कि एक ही तरीके का ऑडियंस, ऐसा थोड़ी होता है। मास कम्युनिकेशन में हो सकता है छोटे लोग भी हों, बड़े लोग हों, बच्चे भी हों, बड़े लोग भी हों, बुजुर्ग भी हों, हो सकता है कि कोई जो है वो उनकी एथनिसिटी भी अलग हो, कोई अरुणाचल से सुन रहा हो और कोई आपका बिहार से सुन रहा हो, कोई राजस्थान से सुन रहा हो, कोई मध्य प्रदेश से। तो होमोजीनियस ऑडियंस नहीं होता है मास कम्युनिकेशन में, तो ये तो गलत हो गया। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एज सोर्स, तो स्रोत के रूप में आप प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का ही तो यूज़ करते हो, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इन्हीं सब चीज़ों का तो प्रयोग होता है इसमें, तो ये सही है। बी इमीडिएट फीडबैक, क्या आपको मास कम्युनिकेशन में फीडबैक मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता। मास कम्युनिकेशन आप रेडियो में कुछ बोल रहे हो तो उसमें इमीडिएटली फीडबैक थोड़ी मिलता है, आप कोई टेलीफोन पे थोड़ी बात कर रहे हो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थोड़ी कर रहे हो, तो ये इमीडिएट फीडबैक वाला पॉइंट भी गलत हो गया। अब अगला है मीडियम का यूज़ करते हो, बिल्कुल बिना माध्यम के, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, ये माध्यम ही तो है, इंटरनेट एक माध्यम ही तो है, तो ये भी हो जाएगा, बी और डी होगा। इसके बाद आ गया रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, मतलब यहाँ पर संदेश का जो स्पीड है वो बहुत तेज होता है, तो बिल्कुल सही है, एक साथ आप बहुत लोगों तक ये संदेश पहुँचा सकते हो, तो बी डी इज द करेक्ट आंसर। तो बी डी ई आपका फोर्थ ऑप्शन है, तो ये होगा आपका करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ फोर क्वाड्रेंट्स ऑफ द कोर्सेज होस्टेड ऑन स्वयं। आपको जो है ये मैंने पढ़ाया हुआ था अच्छे से, है ना। तो देखिए ये पूछ कह रहा है कि चार क्वाड्रेंट्स बताइए स्वयं के, जो स्वयं होस्ट करता है। तो ये जो है पहला है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, बिल्कुल होता है यहाँ पे, वीडियो लेक्चर, बिल्कुल होता है, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी अवेलेबल होता है, और स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल होता है जिसे आप डाउनलोड और प्रिंट भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है क्या लर्नर्स के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, फेस टू फेस इंटरेक्शन वाला पॉइंट गलत हो गया, और इसीलिए ए बी सी डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। ये जो भी बता रहा हूँ ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, और बाकी जो है आपको जो भी डाउट हो वो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, है ना, और उसके हिसाब से जो है ये जो मुझे लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें देखिए बहुत ज़्यादा इसमें सॉल्व करके और यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊँगा, अभी के लिए मैं आपको बस इतना बता दे रहा हूँ कि जो इसका करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से हो रहा है वो हो रहा है बी और सी। तो सेकेंड वाला ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट हो रहा है, बी एंड सी, है ना, तो ये दोनों मेरे हिसाब से अभी करेक्ट हो रहा है। बाकी जो भी आपको डाउट हो तो वो इसमें पूछिएगा। अब बाकी आगे इसमें देखते हैं, तो ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा है, पूछ रहा है कि बताइए द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मेजर्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन हायर एजुकेशन एज परसेंटेज ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन एज बिटवीन। तो एज पूछा है, जो सकल पंजीकरण अनुपात है ये पूछ रहा है कि इसकी आयु के प्रतिशत के रूप में उच्चतर शिक्षा में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या का मापन क्या है। तो 18 से 23 साल जो है इसका करेक्ट आंसर, 18 to 23 ईयर्स का जो एज है ना, एज ब्रैकेट, इसको यूज़ किया जाता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को मेजर करने के लिए, है ना,
वही जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं हायर एजुकेशन में, वो उनके लिए एलिजिबल पॉपुलेशन जो है वो 18 to 23 है। तो ये है 14th क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा। ये इसने पूछ दिया कि नेशनल कोऑर्डिनेटर्स का, मैंने एक दिन पहले ही वो आपके डिस्कशन ग्रुप में मैंने ये भेजा था पूरा का पूरा लिस्ट, और उससे डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला। तो देखिए जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, IIM बेंगलोर एक कोऑर्डिनेटर है, यहाँ पर NPTEL एक कोऑर्डिनेटर है, NIOS जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ये भी एक कोऑर्डिनेटर है, ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन एक कोऑर्डिनेटर नहीं है, फिर CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन ये भी एक कोऑर्डिनेटर है। तो मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पर ABCE और ABCE फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ पर थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी दिया हुआ है और यहाँ पर लिस्ट 2 में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो अगर हम लिस्ट 1 देखें तो यहाँ पर कह रहा है मैच्यूरेशन थ्रेट। तो मैच्यूरेशन थ्रेट क्या होता है, मैच्योरिटी क्या होती है, परिपक्वता क्या होता है, धीरे धीरे आदमी जैसे जैसे चेंज होता रहता है, एक पार्टिसिपेंट जैसे जैसे समय के साथ उसके अंदर बदलाव आता रहेगा तो साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आएगा, वो बोर्डम महसूस करने लगेगा, उसको थकान महसूस होने लगेगा उस टाइप की स्टडी से, और उससे इफेक्ट आने लगेगा इंटरनल वैलिडिटी पे आपके शोध के, है ना। तो बहुत अगर लंबा शोध चल गया तो उससे ये प्रॉब्लम आता है। तो मैच्यूरेशन थ्रेट का एक आपके पास हो गया थर्ड। बी एट्रिशन थ्रेट है, तो एट्रिशन थ्रेट यानी क्षयण खतरा, और ये क्या होता है इसमें देखिए, मतलब जो पार्टिसिपेंट है वो अगर स्टडी से बाहर चला गया, है ना, आप रिसर्च कर रहे हैं और पार्टिसिपेंट ने आपको छोड़ के वो चला गया, आपकी स्टडी से बाहर हो गया, तो उससे जो इफेक्ट आएगा ना पूरे सैंपल पे, उसको हम कहते हैं एट्रिशन थ्रेट। तो ये हो जाएगा आपका बी का फोर, और ए का थ्री बी का फोर कहाँ दिया हुआ है, ये है सेकेंड वाला ऑप्शन, तो ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो गया। फिर यहाँ पे हिस्ट्री थ्रेट देख लेते हैं, तो देखिए हिस्ट्री थ्रेट क्या है सी वाले में, यहाँ पर कह रहा है कि वेन सम इवेंट आउटसाइड द रिसर्च प्रोजेक्ट अफेक्ट्स पार्टिसिपेंट्स सिस्टमेटिकली, कि भाई जो बाहर का अगर कोई भी चीज़ है और वो पार्टिसिपेंट को दिक्कत दे, अगर उसके वजह से प्रभावित हो, तो इसे हम कहेंगे हिस्ट्री थ्रेट। और यहाँ पर टेस्टिंग थ्रेट क्या है, वेन पार्टिसिपेंट्स बिहेवियर चेंज एज अ फंक्शन ऑफ हैविंग बीन टेस्टेड प्रीवियसली, यानी जब पूर्व में परीक्षण हो चुके होने के प्रकार से रूप में प्रतिभागियों के व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो इसे हम परीक्षण खतरा कहते हैं, और इसके हिसाब से हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये बहुत ही अजीब और फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया था यहाँ पर, और सिंपल जान लीजिए इतना तो किसी को याद नहीं होता है कि एक एक यूनिवर्सिटी लोगों को याद रहे कौन सा पहले कौन सा बाद में आए, है ना। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बिल्कुल जो है निश्चिंत रहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत लोगों के गलत होते हैं। अगर इसमें देखिए आइडेंटिफाई करना था करेक्ट सीक्वेंस अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, है ना, यूनिवर्सिटी जो भी इस्टेब्लिश हुए हैं सबसे पहले कौन सा इस्टेब्लिश हुआ है इनमें से, और सबसे बाद में कौन सा इस्टेब्लिश हुआ है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर देखें तो SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी पहले इस्टेब्लिश हुआ, तो सी, इसके बाद इस्टेब्लिश हुआ कौन सा, पटना यूनिवर्सिटी, ई आ गया, तो सी और ई एक के बाद एक यहाँ पे आ रहा है, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो गया। इसके बाद आ गया नेक्स्ट ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, और उसके बाद आ गया आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और सबसे आखिरी में आया नागपुर यूनिवर्सिटी, तो CEABD इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित को बढ़ते गुणार्थ के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना, कॉनोटेशन यानी कि इनके अंदर कितना मीनिंग छुपा हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पर जो है ना इनको ऑर्डर देना था। तो मेरे हिसाब से क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, तो सबसे कम मीनिंग किससे पता चलता है और सबसे ज़्यादा मीनिंग जो है वो कौन सा वर्ड कह रहा है यहाँ पर, ये बताना है कौन से वर्ड से। तो यहाँ पर सबसे पहले भाई आपके पास अगर कोई कह दिया कि डोमेस्टिक एनिमल, तो आपको पता चल गया कि पालतू जानवर है, है ना। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है एनिमल, तो क्या आपको उतना उसका ट्रेट पता चला, भाई एनिमल तो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है लायन हो सकता है टाइगर हो, है ना, तो वो आपको पता नहीं चल पाया कौन सा एनिमल। तो सबसे कम जो अर्थ है वो एनिमल से पता चल रहा है, तो बी सबसे पहले आएगा, और बी पहले आने में आपका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हट गया। अब सेकंड आया एनिमल के बाद डोमेस्टिक एनिमल आ जाएगा, है ना, तो डोमेस्टिक एनिमल यानी कि बी के बाद आ गया ए, ए। अब इसके बाद डोमेस्टिक एनिमल आ गया, तो डोमेस्टिक एनिमल नहीं पालतू जानवर, लेकिन अभी भी आपको पता नहीं चला कि कौन सा जानवर है, है ना। और इसके बाद जो है मेरे हिसाब से जो होगा वो मैं बता रहा हूँ, इसके बाद आ गया यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मीनिंग, जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर मीनिंग अंदर छुपा हुआ हो वो अगर बात करें। अब यहाँ पर आ गया दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, एक तो आ रहा है हॉर्स और एक आ रहा है बीस्ट ऑफ बर्डन यानी भार ढोने वाला पशु। अब कौन सा वर्ड जो है
वो ज़्यादा आपको इफेक्ट कर रहा है, या फिर कौन से वर्ड में बहुत ज़्यादा गुणार्थ पता चल रहा है। भाई घोड़ा अगर आपसे बोला मैंने, और एक बोला मैंने कि भार ढोने वाला पशु, तो यानी कि भार ढोने वाला पशु जो होगा ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा अर्थ छुपा है, क्योंकि वहाँ पर उसका फंक्शन भी बताया जा रहा है, भार ढोने वाला पशु है ना। और घोड़ा जो है हो सकता है ये भार ढोता हो सकता है ये घोड़ा ऐसे ही पालतू में रखा हो गया हो सकता है ये जो है दौड़ाने के लिए रेस में रखा हो गया हो, तो उसके कोई विशेषता तो बता नहीं रहा। तो मेरे हिसाब से BADC होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है BADC, ये ऑप्शन मेरे हिसाब से होगा, है ना, BADC। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आ गया एनिमल, फिर आ गया डोमेस्टिक एनिमल, उसके बाद बीस्ट ऑफ बर्डन, और इसके बाद आ गया लास्ट में हॉर्स, BADC मेरे हिसाब से ये करेक्ट होगा। फिर अगला है कि करेक्ट सीक्वेंस बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, मैंने आपको बताया था, और करेक्ट सीक्वेंस आपसे पूछ रहा है। तो अगर करेक्ट सीक्वेंस की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ पब्लिकेशंस दिया हुआ है, नहीं, सबसे पहले आपको क्या आता है इसमें, नंबर ऑफ गोल्स। भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स मैंने आपको कई बार बताया, MDG और SDG, और इनमें मैं टारगेट भी आपको बताता था, है ना, टारगेट इंडिकेटर्स बताता था ना। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है वो स्टार्टिंग में आया था, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये लेटेस्ट था 2015 में जो दिया गया, और 2030 तक का लक्ष्य है। और इसमें जो नंबर ऑफ गोल्स है वो सबसे पहले आता है, और इसके बाद जैसे नंबर ऑफ गोल्स 17 आ गया, फिर टारगेट्स आ गया 169, है ना, तो 169 टारगेट आया, फिर इसके बाद आता है इंडिकेटर, और फिर आता है इसके बाद पब्लिकेशन। तो यानी कि बी आएगा पहले, बी के बाद आ जाएगा आपके पास सी नंबर ऑफ टारगेट, फिर आ गया आपके पास डी नंबर ऑफ इंडिकेटर, फिर आ गया ए। BCDA कहाँ है, ये है थर्ड ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ अ रिसर्च डाइजर्टेशन इन करेक्ट सीक्वेंस। अब रिसर्च का यहाँ पे प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है, बताइए, इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले इन सभी में लिटरेचर रिव्यू आप पहले करोगे डी, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप रिसर्च के मेथड्स देखोगे बी, फिर आप क्या करोगे, इसके बाद आप डिस्कशन करोगे, और लास्ट में एक्नॉलेजमेंट, जिसका जहाँ से भी आपने सोर्स उठाया, जिस भी सोर्स को यूज़ किया आपने, ताकि आप जो है ना वो किसी का साहित्यिक चोरी जो होता है प्लेजरिज्म से बचो, और दूसरी चीज़ की जो जिसको ड्यू क्रेडिट हो उसको आप क्रेडिट दे दो, तो DBCS का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इस थर्ड वाला इसका हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, विच डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बिन फाउंड बाई मर्जिंग तीन कंजोर्टिया इनिशिएटिव्स को मर्ज करके, कौन सा एक आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया गया। बिल्कुल सीधा सिंपल सवाल है, और इसका सही आंसर होगा ई शोध सिंधु सेकंड। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू सैम्पलिंग अप्रोच इन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन वेयर बाई अ सैम्पल्ड इंडिविजुअल इज ऑब्जर्व फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि आपसे कह रहा है कि एक निर्धारित समय अवधि के लिए जो है ना, अगर हम किसी को सैम्पल करते हैं, अगर हम किसी का जो है उनको चयनित करते हैं किसी भी स्टडी के लिए, और एक उसका पीरियड ऑफ टाइम सेट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं। देखिए स्नोबॉल सैम्पलिंग तो होता नहीं है, वो क्लस्टर सैम्पलिंग होता नहीं है, परपजीव सैम्पलिंग इसको हम नहीं कहते हैं, इसका हम कहते हैं फोकल सैम्पलिंग, जहाँ पर फोकस जो होता है ना वो एक डिसाइडेड होता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप पे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, तो फोकल सैम्पलिंग इसको हम कहेंगे। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 रुपये जो है वो उसको डिवाइड किया गया है ए बी और सी में इस तरीके से कि ए जो है उसको 5 रुपये कम मिल रहे हैं बी से, बी को जो है 10 रुपये कम मिल रहे हैं सी से, तो रेशियो बताइए उनके मनी शेयर का। तो बिल्कुल ही सिंपल सवाल है, और यहाँ पर सबसे पहले आप सी को जो है एक्स मान लो कि इनके पास एक्स रुपये हैं, बी को आप मान लो इनको सी से 10 कम मिले तो एक्स माइनस 10 हो गया, और ए को आप मान लो कितना हो गया एक्स माइनस 10 माइनस 5 कर दो, क्योंकि इनको 5 रुपये इनसे भी कम मिले हैं। तो अगर मैं इसको लेता हूँ तो यहाँ पर इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस और x माइनस 10, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 10 माइनस 5, यानी कि ये आ गया यहाँ पर कितना माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20 और 5 माइनस 25 आ गया, और xxx 3x आ गया, तो 3x प्लस माइनस 25 और इज इक्वल टू टोटल कितना दिया हुआ है 50 रुपये, तो 50 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 50 प्लस 25 कितना हो गया 75, तो x इज इक्वल टू 75 बाई 3 मतलब कितना आ गया 25, x का वैल्यू 25 आया, और हमने देखा कि C के पास X है और B के पास C से 10 कम है, तो अगर C जो है हमारे पास 25 आ गया तो B के पास इससे 10 कम 15 आ जाएगा, और A के पास इससे 5 कम 10 आ जाएगा, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे A B C को तो A रेशियो B रेशियो C करिए तो 10 रेशियो 15 रेशियो 25 आ जाता है, और इसको सिंप्लीफाई करने पे 5 2 10 5 3 15 एंड 5 5 25 2 रेशियो 3 रेशियो 5, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो गया।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में मैंने बताया था और उसमें जो है मैंने ये भी पॉइंट कवर किया था कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं वो लाई करती हैं कहाँ पर, तो वो लाई करती हैं जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है इनके मध्य में, है ना, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो 23.5 डिग्री पे होता है ना। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में लाई करता है और उसी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना धूप रहता है इस एरियाज में, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सूरज की जो किरणें हैं वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहती हैं, धूप रहता है, तो इस वाले एरिया में आने वाले जितने कंट्रीज़ हैं ना वही इसमें जो है अलायंस है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, तो इसका हो जाएगा थर्ड। नाउ मैच द फॉलोइंग है एक और इसमें आपके पास जो है ना दिया हुआ है कि कौन सा कॉलेज और इनके फाउंडर कौन कौन से हैं। तो पहला है आपके पास पूना कॉलेज फॉर हिंदू लर्निंग, दूसरा है हिंदू कॉलेज कोलकाता, प्रेजिडेंसी कॉलेज भी इसको कहा जाता है, तीसरा बिशप कॉलेज है सीपुर, और चौथा स्कॉटिश मिशनरी कॉलेज कोलकाता। तो देखिए अगर हम सिंपल देखें तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हाँ इसमें आपको पूना कॉलेज फॉर हिंदू लर्निंग देख लीजिए, तो पूना कॉलेज फॉर हिंदू लर्निंग हमें पता है कि भाई एल्फिनस्टोन ने किया था। अगर इतना भी नहीं पता है तो आपको राजाराम मोहन राय का तो पता होगा, इनके द्वारा हिंदू कॉलेज कोलकाता वाला जिसे प्रेजिडेंसी कॉलेज भी कहा जाता है वो किया गया था। तो इससे आप याद रख लीजिए हिंदू कॉलेज राजाराम मोहन राय, यानी बी का 3 मिलाइए, अब बी का 3 जो है सिर्फ एक जगह दिया हुआ है इसमें, ये आपका सही हो गया, ठीक है। तो एक भी ऑप्शन अगर आपको आता होगा तो उससे कहीं ना कहीं आप सही कर पाओगे, अगर ए आता होता तब भी आप कर पाते, बी आता होता तब भी कर पाते। फिर बिशप कॉलेज सिपुर जो है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड द्वारा फाउंड किया गया था, और स्कॉटिश मिशनरी कॉलेज कोलकाता ये अलेक्जेंडर डफ, तो ये हो गया फर्स्ट, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन सही हो गया। फिर एक और मैच द फॉलोइंग आ गया इसमें, सिर्फ इस बार यही हुआ है सीक्वेंस मैच द फॉलोइंग यही आया है, है ना। तो नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग एक और आया, यहाँ पर HTTP SSL SMTP और FTP, ये आपको मैंने पढ़ाया था, है ना, आप याद करिए ये सभी चीज़ें मैंने आपको ICT में पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आ गया और इसको हम मैच करेंगे किससे, ये हम IP पैकेट्स जो है वेब सर्वर पे सेंड करने के लिए इसको काम में लेते हैं HTTP को, तो ए का हो जाएगा थर्ड, और एक भी ऑप्शन अगर आपको आता हो तो आप कर लोगे। SSL यानी सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, तो एनक्रिप्ट्स डेटा फॉर ऑनलाइन ट्रांसमिशन हो जाएगा, मतलब बी का हो जाएगा 2। SMTP तो मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ना, ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP, तो मेल वाला देखिए कहाँ पे, सेंड ईमेल ओवर इंटरनेट, यानी सी का हो जाएगा फर्स्ट। और यहाँ पर FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फाइल को भेजने में, तो यहाँ पर ट्रांसफर फाइल ओवर इंटरनेट यानी कि हो जाएगा फोर्थ, तो यानी ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो गया आपका। अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मुझे भी इसमें डाउट है, तो ये अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, और ये मैं जब मेरा भी डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा मैं सॉल्व कर लूँगा, तब आपको ये मैं डिस्कस करके बता दूंगा, है ना। अभी के लिए जो है आप इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एज पर क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक न्याय, तो न्याय के हिसाब से कह रहा है बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो पहला है न्याय सिलोजिज्म जो है, न्याय वाक्य में 3 प्रतिज्ञप्तियाँ होती है, न्याय सिलोजिज्म है 3 प्रोपोजिशन। दूसरा है न्याय सिलोजिज्म है 5 प्रोपोजिशन। तीसरा है न्याय सिलोजिज्म है 3 टर्म्स। और चौथा है न्याय सिलोजिज्म है 5 टर्म्स। तो देखिए न्याय में इससे आप याद रख सकते हैं कि PHUUN यानी फून, इससे 5 जो है इसमें प्रोपोजिशंस होते हैं। इसमें देखिए पी फॉर हो जाएगा यहाँ पर आपके पास प्रतिज्ञा, PRATIJNA प्रतिज्ञा। दूसरा हो जाएगा आपके पास हेतु। तीसरा आपके पास हो जाता है यहाँ पर उदाहरण। चौथा हो जाता है यहाँ पर उपनयन। और यहाँ पर पांचवा हो जाता है निगमन। तो ये आपके पास जो है न्याय का 5 प्रोपोजिशन आ गया, तो बी तो इसमें करेक्ट होगा। फिर इसमें 3 टर्म्स होते हैं, मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म, है ना। तो यहाँ पे 3 टर्म्स यानी बी और सी ये दोनों सही है, 5 टर्म्स नहीं होते हैं, 3 प्रोपोजिशन नहीं होते, तो बी एंड सी ओनली होगा सेकेंड ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। तो मैच द फॉलोइंग है एक और आ गया, इसमें वर्ड दिया हुआ है और यहाँ पर कोड दिया हुआ है। तो देखिए इसमें सिंपल आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पर BOLT दिया हुआ है, तो इनके जो रेस्पेक्टिव पोजीशन है ना अल्फ़ाबेट में, जैसे ABCDEFGH ऐसे आप लिखते हो, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उन सभी अल्फ़ाबेट्स के रेस्पेक्टिव आप नंबर्स लिख दो, और इसके बाद जैसे बी के कॉरस्पॉन्डिंग में 2 आता है तो 2 ले लो। फिर आपके पास ओ के कॉरस्पॉन्डिंग में जो आएगा वो ले लो,
और एल के कॉरस्पॉन्डिंग में जो आएगा वो ले लो, और टी के कॉरस्पॉन्डिंग में जो आएगा वो ले लो, और इन सभी को लेके ऐड कर दो, है ना, सभी को। और जब ऐड करोगे तो आपके पास उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पर नंबर्स हैं उस एडिशन करने के बाद वो आएगा इधर। ये है, ये इसका कोड यही था, है ना। तो इसके हिसाब से सॉल्व करने से बोल्ट में 49 इसका सम करने के बाद आ रहा था, है ना। तो ए का हो जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पे बी का हो जाएगा 4, यानी रिंग का जो है 48 आ रहा था, सोल्ड जो है इसका आ रहा था यहाँ पर 50, और फ्रॉम जो है इसका आ रहा था 52। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ज़्यादा यहाँ पे हम करके और टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट इंडियन ट्रीटीज ऑन प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड यानी गणित से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, इनके संबंधित भारतीय ग्रंथ बहुत ही फेमस है, और इनका नाम है लीलावती। लीलावती में जो है मेंशन है क्या, मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे इसमें सूत्र अवेलेबल हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आप डिस्कस की गई हैं, जो बहुत ही एंशिएंट टेक्स्ट है मैथमेटिक्स के लिए। और इसके बाद देखते हैं, तो अगला है विच ऑन द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड अनस्टेबल एयर पॉल्यूटेंट। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक कम समय तक अस्तित्व में रहने वाला अस्थिर वायु या जल प्रदूषक है। तो जो भी चीज़ें कम समय तक रहेंगी, तो नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी VOC काफ़ी वॉलेटाइल होता है, और ये जो है ना बहुत जल्दी जो है वो उड़ जाता है, है ना, और बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, ये बहुत वॉलेटाइल होता है, इसलिए ये 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी ये ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट स्मॉग और ये पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये सभी जो है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म तक रहते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट। अब कह रहा है नो कैट्स आर नॉन फेलाइन, यहाँ पे कोई भी बिल्ली गैर विडाल नहीं है, यानी नो कैट्स आर नॉन फेलाइन। अब इसका क्या हो जाएगा, अगर कह रहा है इसके परस्पर, अगर इसके बराबर अगर इन सभी में देखना है तो वो क्या होगा, नो फेलाइंस आर कैट्स, नहीं ये इसका मीनिंग नहीं होगा। नो ऑल नॉन कैट्स आर फेलाइंस, यानी कि सभी नॉन कैट जो है वो फेलाइन है, ऐसा तो नहीं है। नो कैट्स आर नॉन फेलाइन, यानी कि इसका अगर हम देखें तो ऑल कैट्स आर फेलाइन, नो कैट्स आर नॉन फेलाइन, यानी नेगेटिव नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पर भी वही है, नो कैट्स आर नॉन फेलाइन मतलब ऑल कैट्स आर फेलाइन, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, द पॉलिसी इज कमिटेड, यहाँ पे पॉलिसी पता करना है। तरुण कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ मर्डर सिंस देयर इज नो वे तरुण कुड किल सॉल, मतलब ये कह रहा है तरुण हत्या का दोषी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तरुण किसी को मार सके। तो ये तो क्वेश्चन में ही उलझा रहा है, तो जहाँ भी ऐसा आए कि जहाँ पर खुद के ही क्वेश्चन में खुद को ही जवाब दे दिया जाए, वैसा हम उसको कहते हैं बेगिंग द क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा थर्ड, है ना। ऐसी जनरलाइजेशन, अगर हम किसी चीज़ को जनरलाइज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सामान्यीकरण कर देते हैं उसका किसी भी चीज़ को, और बहुत ही उसमें कोई भी लॉजिक ना देके हम ऐसे ही जनरलाइज कर देते हैं, तो उसको कहते हैं फिर स्लिपरी स्लोप। मतलब क्या होता है कि एक चीज़ के पीछे दूसरे चीज़ को जो है हम सही ठहरा देते हैं, अगर कुछ गलत हो तो उसको हम गलत ठहरा देते हैं, तो उसको हम स्लिपरी स्लोप कहते हैं। और इन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, मतलब जैसे आपको ऐड आता है और ऐड में जैसे अजय देवगन कह रहे हैं कि बोलो जुबा केसरी, तो बहुत लोग इस वजह से जो है केसरी जुबा बोल रहे हैं आजकल, है ना, बहुत लोग गुटखा खा रहे हैं, तो बताओ आप क्या वो अथॉरिटी है। अरे भाई हो सकता है वो खुद भी खाते हों या नहीं खाते, लेकिन वो तो एक एक्टर हैं और आके बोल दिया और उनसे बहुत लोग प्रभावित हो गए, तो वो इन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। बहुत लोग डॉक्टर बन जाते हैं, एक्टर जो है वो डॉक्टर बन के आते हैं, वो कहते हैं क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, अब बताइए उनको अथॉरिटी है ये बात बोलने की, नहीं, और लोग जो है उनको समझते हैं कि वो डॉक्टर्स हैं वो बोल रहे हैं, तो इस वजह से ये जो है इन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी भी नहीं होगा, ये होगा बेगिंग द क्वेश्चन। अगला है Identify the correct sequence of the cycle of self-regulated learning। यहाँ पर self-regulated learning के बारे में बात किया जा रहा है, आत्मनियंत्रित अधिगम करते हो, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, तो देखिए सबसे पहले टास्क को एनालाइज करना है आपको, है ना। टास्क को एनालाइज करने के बाद क्या करोगे, आप गोल को सेट करोगे, भाई किस टाइप का टास्क है, फिर उसके हिसाब से गोल सेट करोगे। अब इसके बाद प्लान्स को डिवाइस करोगे, यानी अपने योजना बनाओगे, योजना बनाने के बाद से अपने रणनीति या कार्यनीति जो भी आपके टैक्टिक्स स्ट्रेटेजीज हैं उनको बनाओगे, और इसके बाद क्या करोगे, रेगुलेटिंग लर्निंग यानी कि अपने अधिगम का नियमन करोगे, तो यानी कि ECBAD, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला है आई बिलीव आई विल डू वेल इन दिस क्लास, राम डिक्लेयर। राम ने अपने भाई से कहा कि भाई मुझे लगता है कि मैं क्लास में बेहतर करूंगा, क्योंकि मुझे वर्बल पार्ट जो SAT का है ना उसमें मैंने बहुत अच्छा किया था, परफेक्ट स्कोर मुझे मिला था, और मुझे हमेशा लिटरेचर क्लास में जो है ना हमेशा अच्छा मैंने किया है, आई हैव ऑलवेज एक्सेल्ड इन माई लिटरेचर क्लास। तो राम जो है ना वो क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं इनमें से, पहला है हाई सेल्फ स्टीम, दूसरा है हाई लेवल ऑफ एम्पथी, तीसरा है स्लो सेल्फ एफिकेसी इन लिटरेचर, या फिर चौथा है हाई सेल्फ एफिकेसी इन लिटरेचर। और देखिए इसमें मुझे दो ऑप्शन में मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो
एक तो यहाँ पर हाई सेल्फ स्टीम वाला और दूसरा है हाई सेल्फ एफिकेसी इन लिटरेचर, है ना। तो दो चीज़ों में मुझे कन्फ्यूज़न है, क्योंकि यहाँ पर लिटरेचर के बारे में ही बात हुआ है कि भाई आई हैव रिसीव अ परफेक्ट स्कोर ऑन वर्बल पार्ट ऑफ द SAT, है ना, एंड आई हैव ऑलवेज एक्सेल्ड इन माई लिटरेचर क्लास। तो यानी कि ये अपने लिटरेचर में बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो ये भी तो हो सकता है। या फिर यहाँ पर ये सेल्फ स्टीम को शो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, तो आई बिलीव आई विल डू वेल इन दिस क्लास ये कह रहे हैं, तो ये हाई सेल्फ स्टीम भी हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अब देखते हैं NTA जो है वो कौन से ऑप्शन को सही मानता है। नेक्स्ट चलते हैं, तो आइडेंटिफाई द स्केल और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट विच वुड अलाउ रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन के रैंकिंग के लिए अगर हम बात करें ना, तो वो कह रहा है, तो यहाँ पर सिंपल है, ऑर्डिनल स्केल जो है इससे भी हम रैंक करते हैं ऑर्डर में, इंटरवल स्केल से भी रैंकिंग होता है और रेशियो स्केल से भी रैंकिंग होता है, नॉमिनल स्केल से नेमिंग करते हैं, रैंकिंग नहीं करते हैं। तो BCD इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ट्रुथ एंड फॉल्सहुड आर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोपोजिशन। यानी कि सत्यता और असत्यता व्यष्टिक प्रतिगप्तियों के गुण हैं, चलिए ठीक है। दूसरा है, वैलिडिटी कैन नेवर अप्लाई टू एनी सिंगल प्रोपोजिशन बाई इटसेल्फ। ऐसा नहीं है, वैलिडिटी सिंगल प्रोपोजिशन में भी जो अप्लाई हो जाता है, तो ये गलत हो गया। इन अ वैलिड आर्गुमेंट ऑल ऑफ इट्स प्रमाइसेस हैव टू बी ट्रू, भाई वैलिड होना है तो सभी प्रमाइसेस को सही होना ही पड़ेगा, ये भी ठीक है। तो सी भी सही है, ए भी सही है। फिर अ वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट कैन नॉट हैव ऑल ट्रू प्रमाइसेस एंड अ फॉल्स। देखिए सारे ट्रू प्रमाइस हैं और कंक्लूजन अगर फॉल्स हो जाएगा तो फिर वैलिड आर्गुमेंट थोड़ी हुआ, वो कंक्लूजन भी ट्रू होना पड़ेगा। तो यानी कि ये भी सही है, ACD इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो या तो आप इनके जो डिनोमिनेटर है इनको सेम कर दो, है ना, कॉमन लेके, और या फिर इनको आप जो है जैसे यहाँ पर किया गया है वैसे आप कर दो इनको जो है डिवाइड करके, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे अगर छोटा हम देखें तो ये आ रहा है 7/9, इसके बाद हमारे पास आ रहा है कौन सा, ये आ रहा है, यानी कि सबसे पहले सी आ गया, सी के बाद आ गया ए, ए के बाद आपके पास यहाँ पर 8421 यानी डी, और इसके बाद आ गया बी, CADB, और CADB दिया हुआ है यहाँ पर सेकंड में, सो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला है, अराउंड 1945 हु डेवलप, भाई किसने डेवलप किया कि भाई कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्टोर होता है ना हमारे कंप्यूटर में, उसको हम डेटा मेमोरी में और फिर उस डेटा को हम मूव कर सकते हैं मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में, ऐसा किसने किया। बस 1945 के आसपास स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का विचार किसमें विकसित किया गया था, जो प्रोग्राम और डेटा को मेमोरी में धारण करता था फिर डेटा मेमोरी और प्रोसेसर के बीच संचालित होगा। तो किसने किया था ये, पहला है एलन ट्यूरिंग, दूसरा है टिम बर्नर्स-ली, ये WWW के संस्थापक माना जाता है इनको, टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर हैं ये, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है जॉन वॉन न्यूमैन, इन्होंने ही किया था ये कि भाई आप जो है वो डेटा मेमोरी और डेटा को मूव कर सकते हैं मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में, ये 1945 में इन्होंने किया था। फिर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर्स। तो देखिए बेसिक यूनिट ऑफ STEC इज सोलर सेल, तो ये जो है वो गलत स्टेटमेंट है, बेसिक यूनिट ऑफ STEC इज सोलर सेल। अगला है कि भाई STT में भी फ्लैट प्लेट और कंसनट्रेटिंग टाइप सही है, फ्लैट भी हो सकता है और कंसनट्रेटिंग टाइप भी हो सकता है। टेम्परेचर जो है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, बिल्कुल सही है। STC कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते ही हैं, सही है। और पैराब्लॉइड डिस्क कलेक्टर इज एन एग्जांपल ऑफ STC वेयर टेम्परेचर कैन गो अप टू 2000 डिग्री, ये भी सही है, 2000 डिग्री तक भी चला जाता है टेम्परेचर। तो यानी BCDE, तो BCDE जहाँ पे भी आपको दिखे एक बार देखिए, ट्रू पूछा है ना, हाँ, तो यहाँ पर BCDE यहाँ पर दिख रहा है हमें, सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, अ कल्चर विच इज़ नॉट टच्ड बाय कम्युनिकेशन ऑफ अल्फाबेटिक राइटिंग इज नोन एज कल्चर ऑफ। एक ऐसा कल्चर, एक ऐसी संस्कृति जो कि लेखन के संचार से स्पष्ट रहित है, मतलब जहाँ पर भी वर्बल चीज़ें नहीं हैं, है ना, यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो अल्फाबेटिक राइटिंग से नहीं होता है, यहाँ पर लिख के कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें बोल के हो रही हैं। तो अगर लिख के नहीं हो रहा है तो टाइपोग्राफी हो ही नहीं सकता है। एक्सक्लूसिविटी तो ठीक है, अलग है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी ओरालिटी यानी प्राथमिक मौखिकता, वहाँ मौखिक चीज़ें ही चलती हैं, तो प्राइमरी ओरालिटी का कल्चर होता है ये। एक सिंपल क्वेश्चन आया था, 500 मीटर लंबी ट्रेन है, है ना, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई है 500 मीटर और 100 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है, 100 मीटर पर सेकंड। टनल जो है उसको क्रॉस करती है 10 सेकंड में,
तो लेंथ ऑफ टनल बताइए। तो देखिए लेंथ ऑफ टनल अगर ये 100 मीटर पर सेकंड से 10 सेकंड में कवर कर ले रहा है तो इसमें ट्रेन का लेंथ और टनल का लेंथ दोनों आ जाता है। तो अगर 500 प्लस एक्स कर देते हो आप और ये आ जाता है कितना 100 मीटर पर सेकंड से 10 सेकंड में कर रहा है। तो अगर 100 मीटर एक सेकंड में चल रहा है तो 10 सेकंड में 1000 मीटर चलेगा। और अगर 1000 मीटर अगर ये चल रहा है 10 सेकंड में और ये 500 मीटर अगर ट्रेन की लंबाई है तो टनल की लंबाई कितनी होगी 1000 मीटर माइनस 500 मीटर तो ये हो जाएगा कितना 500 मीटर। तो टनल की लंबाई आ गई आपके पास सेकंड ऑप्शन 500 मीटर सही है। अगला क्वेश्चन है एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्लासरूम टेक्नोलॉजी नीड्स क्लैरिटी विद रिगार्ड टू। तो क्लासरूम टेक्नोलॉजी के बारे में कह रहा है कि कक्षा प्रौद्योगिकी के प्रयोग को निम्न में से किस किस हेतु स्पष्टता की आवश्यकता होती है। पहला है इंस्ट्रक्शनल मैसेज, दूसरा है कोर्स ऑब्जेक्टिव, तीसरा है टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी, चौथा है एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर्स और पांचवा है इंस्टीट्यूशनल इंडोलेंस। तो देखिए अगर हम बात करें इसमें क्लासरूम टेक्नोलॉजी के एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर बात करें तो इसमें इंस्ट्रक्शनल मैसेज, तो इंस्ट्रक्शनल मैसेज मतलब अनुदेशन संदेश है और अनुदेशन संदेश के बाद नेक्स्ट है कोर्स ऑब्जेक्टिव। तो देखिए इंस्ट्रक्शनल मैसेज तो चाहिए ही चाहिए। अगर क्लासरूम टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करें तो उसमें बिना अनुदेशन संदेश के काम नहीं चलेगा। इंस्ट्रक्शनल मैसेज आप दोगे तभी तो आप पढ़ाई करा पाओगे, तो ए करेक्ट है। कोर्स का ऑब्जेक्टिव भी होगा तो बी भी सही है। टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी भी चाहिए, उसको चलाना भी आना चाहिए तो ये भी सही है। लेकिन देखिए कह रहा है विफलताओं का अनुभव, ज़रूरी नहीं है कि अगर फेलियर का एक्सपीरियंस है तभी जो है क्लासरूम टेक्नोलॉजी जो है वो आप एम्प्लॉय कर पाओगे। भाई नहीं भी अगर अनुभव है तो अनुभव हो जाएगा चलाने के बाद। और इंस्टीट्यूशनल इंडोलेंस मतलब संस्थागत अकर्मता, ये भी नहीं होगा, है ना। ए बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखें द सिस्टमेटिक एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल अदर देन दोज यू आर इंटरेस्टेड इन कैन बी अचीव्ड इन। भाई जिन वेरिएबल्स जिन चरों में आपकी रुचि है उनके इतर अगर बाह्य चरों को आप सुव्यवस्थित निरसन करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, किस में कर सकते हो? ये क्वालिटेटिव रिसर्च में नहीं, इनमें नहीं होता है। इनमें किसी भी तरीके से आप जो है ना वो एलिमिनेट नहीं कर सकते एक्सटर्नल वेरिएबल को। कोरिलेशनल में भी नहीं कर सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल में नहीं, एक्सपेरिमेंटल में आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर कंट्रोलिंग यहाँ पर चलता है और कंट्रोल करके आप जो है एक्सटर्नल वेरिएबल को बिल्कुल ही साइड कर सकते हो। तो ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है मैच द फॉलोइंग। इसमें देखिए बहुत ही कन्फ्यूजन था इसमें, वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर वॉश डिजीज, वाटर बेस्ड डिजीज और वाटर रिलेटेड डिजीज, यानी जल जनित, जल धावित, जल आधारित और जल संबंधित बीमारियाँ। तो देखिए वाटर बॉर्न डिजीज़ हम किसको कहते हैं, जब भी वाटर बॉर्न का मीनिंग क्या हो गया कि भाई जल से जो जन्म लेने वाला जो डिजीज़ हो, तो जल से जन्म वाला क्या होगा वाटर बॉर्न डिजीज़ क्या होगा, टाइफॉइड, जिससे पॉल्यूटेड वाटर अगर आप अपने अंदर ले लेते हो तो उसमें वो बैक्टीरिया चला जाता है, तो वाटर बॉर्न है वो। तो ए का थ्री हो गया। फिर वाटर वॉश्ड डिजीज़ क्या हो जाएगा, देखिए ट्रैकोमा, अगर आपको नहीं पता तो तब तक इस ऑप्शन को आप छोड़ सकते हैं, है ना। तीसरा है वाटर बेस्ड डिजीज़, तो वाटर बेस्ड डिजीज़ क्या होगा कि भाई जो जल आधारित बीमारियां हैं, तो जल आधारित बीमारियां क्या होंगी, तो जो पॉल्यूटेड वाटर के कांटेक्ट में आने से जो बीमारियां होती हैं, प्रदूषित जल के कांटेक्ट में आने से जो बीमारियां होती हैं, अगर ये हो जाएगा कि आपके पास सिस्टोसोमाइसिस ये होता है, अगर हम आ जाएँ पॉल्यूटेड वाटर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इससे ये बीमारियाँ होती हैं। तो इसीलिए जो भी लोग जो गंदे नालों में सफाई करने के लिए उतरते हैं और उनको बीमारी हो जाती है तो यही सिस्टोसोमासिस जो है उनको होता है। फिर वाटर रिलेटेड डिजीज़, ऐसे डिजीज़ जो कि ऐसे पैरासाइट्स होता है जो पॉल्यूटेड वाटर में होते हैं, जैसे कि मलेरिया वगैरह होता है, ये मच्छर वगैरह उसको काटने से हो जाता है, वो वाटर रिलेटेड डिजीज़ है, जल संबंधित बीमारियाँ हैं, क्योंकि जल जमाव होगा फिर उनसे वो होगा। तो डी का फर्स्ट हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर ये इन बुद्धिस्ट थॉट सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी इज बिल्ट इनटू द प्रोसेस ऑफ, तो देखिए इसमें मेरे हिसाब से रिलीजियस चेंज होगा, है ना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी अभी इसके ऊपर आप देख सकते हैं, ये पूछ रहा है कि भाई बौद्ध विचारधारा में आत्मचिंतन निम्न से किस प्रक्रिया में सन्निहित है। तो देखिए जब बौद्ध विचारधारा में क्या होता है, कहीं ना कहीं धर्म के बारे में, धम्मा के बारे में आपको बताया जाता है ना, धम्मा वहाँ पर लिखा होता है, तो इसमें जो है वो कहीं ना कहीं सेकेंड ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, रिलीजियस चेंज। बाकी यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा पैसेज भी दिया हुआ था, इस पैसेज को अगर हम पढ़ के करें तो देखिए इंडिया शेयर इन द सेमीकंडक्टर ग्लोबल टैलेंट पूल इज, तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा ऊपर ही लिखा हुआ है कि इंडिया का शेयर जो है ना वो अगर ग्लोबल टैलेंट पूल में देखें तो 1/3 है, ये देखिए 1/3, तो यहाँ पर आप देखिए तो ये आपका सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ चिप बूम द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कफोर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल, तो देखिए जैसे जैसे चिप बूम आएगा तो क्या होगा इसमें, देखिए द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विच विल बी द लार्जेस्ट बेनिफिशियल ऑफ दिस चिप बूम,
है ना। तो इसमें क्या होगा, मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 6 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स में, देर इज ऑल्सो अ ह्यूज मैन पावर रिक्वायरमेंट, तो बहुत बड़े रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि इंक्रीज होगा। तीसरा है द नीड फॉर एडिशनल टैलेंटेड एंड स्किल्ड वर्क फोर्स इन द डोमेस्टिक सेमी कंडक्टर सेक्टर हैज़ बीन क्रिएटेड बाई, तो किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, डोमेस्टिक सेमी कंडक्टर सेक्टर में जो है एडिशनल टैलेंटेड और स्किल्ड वर्क फोर्स। तो अगर हम तीन ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, तो देखिए सबसे पहले तो $800 मिलियन सेमी कंडक्टर प्लांट जो है वो रिसेंट अप्रूवल हुआ है माइक्रॉन का। दूसरा है टाटा ग्रुप और सीजी पावर ने मिलकर ये जो है फैब्रिकेशन असेंबली टेस्टिंग और पैकेजिंग ATP प्लांट जो है 130,000 करोड़ का लगाया हुआ है। तो उस हिसाब से अगर तुम देखें तो ये माइक्रॉन वाला भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ए और बी दोनों सही हो गया। न्यू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के बाद ये पूरे पैसेज में कहीं किया ही नहीं गया है, और ए और बी और सी नहीं होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ये ए और बी ओनली। और ये लास्ट देख लेते हैं, द ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट सेंटर्ड अराउंड चिप मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, तो बिल्कुल यहाँ वही बात कर रहा है कि देखिए ग्लोबल चिप जो शिफ्ट है ना, शिफ्ट सेंटर्ड अराउंड चिप मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है ग्लोबल सप्लाई चेन। तो ये बहुत ही सिंपल, ये एजुकेशन वाला पैसेज बहुत ही अजीब आया था, लेकिन इसमें फर्स्ट पेपर में कम से कम पैसेज जो है वो अच्छा था। इस हिसाब से हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। फिर माइक्रोन सेटअप, तो माइक्रोन ने क्या सेटअप किया, तो भाई ATP प्लांट तो टाटा ने किया था, माइक्रोन ने सेमी कंडक्टर प्लांट सेटअप किया, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। द न्यू टैलेंटेड स्किल फोर्स इन इंडिया विल कम मेनली फ्रॉम, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन था लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सिंपल कह रहा है कि द ग्रोथ इन सर्टेनिटी गोइंग टू कम फ्रॉम नॉन IITian ऑर्बिट, ठीक है, नॉन IITian ऑर्बिट से ही ग्रोथ आने वाला है। द करेंट कंबाइंड साइंस टेक्नोलॉजी यानी स्टेम वाले जो है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले, ये ग्रेजुएट आउटपुट इंडिया का जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का इनएडिक्वेट है, मतलब अभी भी ये पूरा नहीं कर पा रहा है, और इसीलिए मेनली जो आने वाले जो है ना वो नॉन IITian ऑर्बिट से आएंगे, तो इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये 50 क्वेश्चन पूरा हुआ, क्लास जो आपका ये पेपर वन का ये था, और एजुकेशन 09 कोड का ये W वाला जो कोड था उसका ये पेपर है। और इसके अलावा अगर कोई भी पेपर वन आपके पास है, आपको डिस्कस कराने के लिए मुझ तक भेजना है, तो आप डायरेक्टली डिस्कशन ग्रुप में व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। और बाकी जो डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड मैंने बोला है वो आपको मैं जल्दी करा के दे दूंगा, और जो भी मैथ्स वाले क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से एक ही जगह पूरा कंबाइन करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी आपके डाउट्स हों वो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आपका डिस्कशन ग्रुप व्हाट्सएप खुला हुआ, यहाँ कॉमेंट सेक्शन में भी जो है जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। और हमारे नए बैचेज भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप जो है अगर अभी अभी के लिए आपको ज़रूरी नहीं है, आप जो है वेट कर लीजिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने भी मेरे लर्नर्स हैं इन सभी का भाई सिलेक्शन हो जाए, वो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। और बाकी बैचेस तो चलते ही रहेंगे, अपने बैच भी जो अपना बैच भी आएगा, और हमारा आपने देखा लास्ट तक जो है हमने मेहनत किया, लास्ट मोमेंट तक जो मैंने आपको प्रोवाइड किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया। बाकी अपने बारे में ज़्यादा बोलने से कोई मतलब नहीं है, आप लोग खुद ही जो है वो टेस्टिमनी दे ही देते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, नमस्कार।